फ्रेंड्स ये बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सेकेंड वीडियो है इससे पिछली वीडियो में हम डाइजेशन एंड एब्जॉपन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं इस वीडियो में हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथिथ इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग स्कॉट यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग के समय हम जितनी एयर अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं पहला है वाइटल कैपेसिटी तो इसका मतलब होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर हम अंदर ले सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी और इसकी वॉल्यूम होती है छियालीस सौ इसके बाद दिया है यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो एडिशनल एयर हम ले सकते हैं उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 हजार एम एल इसके बाद है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 सौ एम एंड लास्ट है टाइडल वॉल्यूम यानी कि नॉर्मली ब्रीथिंग में हम जितनी एयर अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी टाइडल वॉल्यूम नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन यानी कि हंड्रेड एम एल ऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कितनी ऑक्सीजन को टिश्यू तक ट्रांसफर करता है फाइव एम एल ट्वेंटी फाइव एम एल फिफ्टी एम एल या फिर मोर देन फिफ्टी एम एल तो देखिए एल्व्यूलर सरफेस पर 100 एम ब्लड 100 एम ब्लड 20 एम ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है उसमें से केवल 5 एम 5 फाइव एम ऑक्सीजन ही टिश्यू को मिल पाती है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन तो हमारा आंसर होगा यहां पे वन फाइव एम नेक्स्ट क्वेश्चन वाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैरेड बाय हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के द्वारा कितने परसेंट ऑक्सीजन कैरी होती है या फिर हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन को कैरी करता है नाइन्टीन नाइन्टी एट या फिर सेवेंटी तो देखिए नाइन्टी नियर अबाउट नाइनटी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जबकि बची हुई दो से तीन परसेंट ऑक्सीजन को ब्लड प्लाज्मा कैरी करता है ब्लड प्लाज्मा कैरी करता है तो यहां हमसे पूछा है हीमोग्लोबिन, इसलिए हमारा आंसर होगा पे बी तो नाइन्टी सेवन टू नाइनटी एट परसेंट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी इनमें से कौन सी गैस आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा होती है यानी कि यदि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पर ऑक्सीजन है एंड इन्हें हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन से बाइंड होना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी 250 गुना ज़्यादा होगी 250 गुना ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से और यही कारण है एनवायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाने पर हमारे ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन तुरंत बढ़ जाती है तो यहाँ पे आंसर है बी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज ज़्यादा कंसंट्रेशन में कहाँ पाया जाता है ल्यूकोसाइड ब्लड प्लाज्मा इपथ्रोसाइड या फिर लिम्फोसाइड तो देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कि इपथ्रोसाइड्स में पाया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एच टू सी ओ थ्री यानी कि कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है और ये कुछ मात्रा में प्लाज्मा में भी पाया जाता है लेकिन ज्यादा मात्रा में ये इलेक्ट्रोसाइट्स में पाया जाता है इसलिए हमारा आंसर होगा सी एपथोसाइट्स वीज ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द एक्चुअल गैस एक्सचेंज सरफेस इन द ममेलियन रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि ममेलियन रेस्पायरेटरी सिस्टम में एक्चुअल गैस एक्सचेंज कहाँ होता है ब्रोंकस एल्वियोलस ब्रोंकियोल या फिर ट्रेकिया तो देखिए हमारा रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट कुछ इस तरह से होता है जो कि ट्रेकिया से स्टार्ट होता है यानी कि सबसे ऊपर होता है ट्रेकिया देन ब्रोंकाई ब्रोंकाई देन ब्रोंकियोल और उसके बाद आते हैं एल्वियोलाई एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग एंड यहीं पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स और ब्लड के बीच में इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी एलवियोलस द वॉल्यूम ऑफ द एयर डैट लीव्स द लंग्स इन ह्यूमंस इज मिजर्ड बाय यानी कि एयर की वो वॉल्यूम जो कि लंग्स से बाहर निकलती है उसे किसके द्वारा मापा जाता है रेस्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर या फिर मोनोमीटर तो इसका आंसर है बी स्पायरोमीटर। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रिसीव इलेक्ट्रिकल मैसेज फ्रॉम द ब्रेन फॉर ब्रीथिंग इन और आउट यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गन है जिसमें कि ब्रेन से इलेक्ट्रिकल मैसेज आते हैं ब्रीथ इन और आउट के लिए डायफ्राम ब्रोंकाई Bronchi, ब्रोंक्योस या फिर एल्वियोलाई तो देखिए रेस्पायरेशन का रेगुलेशन दो तरह से होता है नंबर वन न्यूरल एंड नंबर टू केमिकल जिनमें से न्यूरल को मेडुला ओब्लंगटा एंड पोन्स कंट्रोल करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल मैसेज डायाफ्राम को रिसीव होते हैं जिससे ब्रीथिंग इन और आउट कंट्रोल होता है, है. इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए डायाफ्राम नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज यानी कि सेवेंटी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तीन फॉर्म में होता है नंबर वन सेवेंटी परसेंट ट्वेंटी थ्री परसेंट एंड सेवन परसेंट तो यहाँ पे सेवेंटी परसेंट इसका ट्रांसपोर्ट होता है बाय बाई कार्बोनेट आयन बाई कार्बोनेट आयन ट्वेंटी थ्री परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है कार्ब कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन द्वारा हीमोग्लोबिन द्वारा एंड सेवन परसेंट होता है डिसोल्ड इन ब्लड प्लाज्मा तो ये डाटा आपको याद रखना है तो यहां से पूछा है सेवेंटी परसेंट इसलिए हमारा आंसर होगा यहां पे बाई कार्बोनेट्स अगला क्वेश्चन एवन वैन देयर इज नो एयर इन इट ह्यूमन ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स ड्यू टू प्रजेंस ऑफ यानी कि हवा ना होने पर भी ह्यूमन की ट्रेकिया कोलैप्स या पिचकती नहीं है किसके कारण बोनी रिंग्स टर्जेट प्रेसर कार्टीनियस रिंग्स या फिर कार्टिलेजिनस रिंग्स तो इसका आंसर है डी कार्टिलेजिनस रिंग्स और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इन मैमल्स द डायफ्राम बिकम्स यानी कि इंस्पायरेशन के समय जब हम हवा अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम कैसा हो जाता है डोम सेप्ड रेस्ट हाईली फ्लैट या फिर स्टैटिक तो देखिए आप जानते हैं नॉर्मली हमारा डायफ्राम कुछ इस तरह का होता है और इसके ऊपर यहाँ पे रिप्स पाई जाती है लेकिन जब हम हवा अंदर लेते हैं यानी कि इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है यानी कि नीचे की तरफ आता है और फ्लैट हो जाता है और जब हम हवा बाहर निकालते हैं यानी कि एक्सपायरेशन करते हैं तो हमारा डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है तो यहाँ से पूछा है इंस्पायरेशन इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी फ्लैट वैन सी ओ टू कंसनट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस ब्रीथिंग बिकम्स यानी कि जब हमारे ब्लड में सी ओ टू की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारी ब्रीथिंग कैसी हो जाती है तो इसका आंसर होगा बी फास्टर एंड डीपर देखिए जब हमारी बॉडी में सी ओ टू बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है और डीपर हो जाती है तो इसलिए इसका आंसर है बी फास्टर एंड डीपर आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रेथ वी डू नॉट रेस्पायर फॉर सम सेकेंड ड्यू टू यानी कि एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद हम कुछ समय तक रेस्पायरेशन नहीं करते इसका क्या कारण है मोर सी ओ टू इन ब्लड मोर ओ टू इन ब्लड लेस सी ओ टू इन ब्लड या फिर लेस ओ टू इन ब्लड तो इसका आंसर होगा सी लेस यू टू इन ब्लड क्योंकि उस समय हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है इसलिए हम कुछ सेकेंड तक रेस्पायरेशन नहीं करते अस्थमा इज कोस्ट ड्यू टू अस्थमा किस कारण होता है तो देखिए अस्थमा एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें हमारा एयरवेज नैरो हो जाता है नैरो हो जाता है और लंग्स तक सफिशेंट एयर नहीं पहुंच पाती है इसलिए इसका आंसर होगा बी स्पाजम इन ब्रोंकियल मसल्स एम्फिज मेनली बिकॉज ऑफ एम्फिजा मेनली किसके कारण होता है एलर्जी स्पाजम ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ ब्रॉक्योल्स सिगरेट स्मोकिंग या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द एल्वियोलाई एंड इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है आप सभी जानते हैं हम आपको यूट्यूब पर पिछले तीन सालों से पढ़ा रहे हैं पर यहाँ हम आपको अपने नोट्स एंड ट्रिक्स के पी नहीं दे पाते थे पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारा मेरिटोनिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है जहां हम आपको अपने सारे नोट्स एंट्रिक्स के पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे साथ में यहां आपको नीट के लिए फ्री एंड पेड दोनों तरह के कोर्सेज भी मिल जाएंगे और सबसे ख़ास बात यह है कि यहां आप हमसे लाइव चैटिंग के जरिए अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं हमारी टीम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेगी और यहाँ हमने नीट मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज को भी ऐड किया है जिसमें से आपको नीड में गारंटेड बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्योंकि इसे हमने काफ़ी एनालिसिस के आधार पर बनाया है यानी कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन का सॉल्यूशन है मेडिटोनिक एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी साथ में समय समय पर यहाँ हम आपके क्विज़ टेस्ट भी लेंगे एंड उसमें प्राइज भी रखेंगे तो आप सभी जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए मेडिटोनिक एप्लीकेशन एंड अभी इस एप्लीकेशन में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट बाकी है हम धीरे धीरे सभी नोट्स एंड वीडियोस इसमें ऐड कर देंगे एंड प्लीज़ आप सभी ऐप का रिव्यू ज़रूर देना एंड बताना कि आपको ऐप आप कैसा लगा क्योंकि इसे बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा धन्यवाद